असामाजिक तत्वों ने दो बाइकों में लगाई आग, धुन धुन कर जली। गोवर्धन, घर के बाहर सड़क किनारे खड़ी दो बाइकों को असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। दोनों बाइक आग की लपटों में धुन धुन जलकर खाक हो गई और बढ़ती आग की लपटों ने घर के दरवाजे को भी अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि समय रहते घरवालों को आग लगने की जानकारी हो गई और आनन फानन में आग पर काबू पा लिया और दरवाजा पूरी तरह जलने से बच गया। बीती रात अशोक पाठक पुत्र मनीष पाठक निवासी मानसी गंगा दसवसा में अपनी दुकान को बंद करके दोनों बाइक घर के बाहर चैन से बांधकर सो गए। रात्रि करीब 11 बजे असामाजिक तत्वों ने मौका दे घर के बाहर खड़ी दो बाइक में आग दी। दोनों बाइक धुन धुन कर जलकर खाक हो गई और घर के दरवाजे को अपनी चपेट में ले लिया। राहगीरों की नज़र जब उस पर पड़ी तो असामाजिक तत्व वहां से भाग निकले। शोर मचने के बाद घर वालों की नींद खुली और आनन फानन में आग बुझाने में लग गई। बमुश्किल आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दोनों बाइक जलकर खाक हो गई। अशोक पाठक पुत्र मनीष पाठक ने घटना की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच में जुट गई। वहीं अशोक पाठक पुत्र मनीष पाठक ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के लिए लिखित तहरीर दी है। घटना की जानकारी देते हुए मकान स्वामी मनीष पठाक ने क्या बताया। गोवर्धन से तेजस शर्मा, खास रिपोर्ट। मेरा नाम मनीष पाठक है, कहाँ के रहने वाले हो? गोवर्धन का रहने वाला हूँ। क्या वारदात हुई आज? कल रात को जब हम सो रहे थे तो 10 बजे मैंने अपनी दुकान बढ़ाई थी। उसके बाद मैं जैसे सोने के लिए चला गया तो 10:30-11 बजे करीब किसी ने मोटरसाइकिल में हमारी में दोनों में जल खड़ी हुई में आग लगा दी है। फिर हमारी छोटी बहन ऊपर सो रही थी तो उसको पता लगा कि गाड़ी में आग लग गई है। उसके बाद में उसने थोड़ा सा हल्ला मचाया तो पापा नीचे आए, मुझे जगाया गया। मैं जगा तो थोड़ा सा मैंने देखा तो उसके बाद में पानी ऊपर जाकर मैंने भी आग बुझाई और खूब जोर से पानी डाला और नीचे से भी पानी डाला। जब आग बुझी है काफ़ी आग लग गई थी और सारा गेट वेट और ऊपर तक सारा खराब हो गया है। अब ये नहीं पता है किसने लगाई है। इसकी जानकारी आपने पुलिस को दिया? हाँ, रात को हमने तुरंत 112 नंबर पर फ़ोन किया था और 112 नंबर पर फ़ोन किया तुरंत। उसके बाद में पुलिस आई और पुलिस यहाँ पर आकर लिख कर ले गई कागज़ वागज और बोले FIR करा दो। हम थोड़ी देर बाद FIR कराने जा रहे हैं।